This question again, I am going by this eliminating method. ये टेंथ वाले, ये लास्ट टाइम इनका जरा वीडियो देखिएगा कंस्ट्रक्शन में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉप का होगा, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल वाइड में। इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बनाई थी, उस समय मैं घर में पढ़ाता था, आज आपके सामने बैठी हुई, देखो आपका नाम, इनकी कंस्ट्रक्शन जरा देखिएगा, नाइन्थ की कंस्ट्रक्शन पूरा, शायद हमने एक हफ्ता दो हफ्ते में इनके हाथ की सेटिंग हुई थी। तो टेंथ वाले जिन्होंने एग्जाम देने, वो इन्हीं की कंस्ट्रक्शन को जरूर देखेंगे, क्योंकि अभी आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्योरली नहीं हुई है, याद रख। चलिए ये देखिएगा, एलिमिनेटिंग मेथड से कर रहा हूं ना, देखे ये पहले इस वाली इक्वेशन को आपका नाम, पहले एलसीएम ले लेते हैं ना, देखो ए बी आई हैव टेकन, नाउ बी एक्स माइनस ए वाई, क्योंकि आपका डिफरेंट डिनोमीटर्स है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह जाते हैं, एंड आपका देखो बी एक्स माइनस ए वाई, ऐसे करो जीरो इंटू ए बी, देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी एक्स माइनस ए वाई, ऐसे करो जीरो, देखिएगा इधर देखिएगा इक्वल टू जीरो हो गया, ये आपका नाम देखो दस सर, अब कई कई बार बच्चे इक्वल टू जीरो, यहां देखो यहाँ कॉन्स्टेंट राइट में दिख रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ही नहीं इसलिए इक्वल टू जीरो है, पहली चीज से हो गया। अब आपका नाम देखो ठीक है, सॉल्व इट बोथ द इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग मेथड में जो दोनों इक्वेशंस आपके पास है, इन बोथ द इक्वेशंस यू हैव टू सी द कोफिशिएंट्स, यू हैव टू चेक द कोफिशिएंट्स। अब आपका देखो यहां एक्स का कोफिशिएंट देखो बी है, और यहां एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो दोनों का सेम बनाना है, सेम। अब वो आप वाई का बनाते हैं या वो आपका ए का बनाते हैं। यहां देखो दूसरी चीज, साइंस को देखिएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहां देखो ये प्लस है और ये माइनस है, आपका देखो ये बी है ये है। अब आप वो चीज करिएगा, आप देखो एक्स एक्स को करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वाई वाई को करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अगर आप वाई के कोफिशिएंट को आप चेंज करेंगे तो आपको क्या होगा, प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं है, ऑन एडिंग आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप एक्स और एक्स के कोफिशिएंट को आप देखेंगे, वहां आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन सबट्रैक्शन। सर आवाज नहीं करेगा प्लीज, बिल्कुल नहीं, नहीं तो मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, देखो मल्टीप्लाइंग बाय, ये फ्रेश बैच है इसमें इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, देखो मल्टीप्लाइंग बाय ए इन इक्वेशन नंबर आपका देखो थ्री, एंड बी इन आपका इक्वेशन नंबर टू ऑन बोथ साइड्स, हाँ ए में आपका देखो ए और आपका ये इसमें आपका देखो ये बी, इसमें इसमें ए से किया, इसमें बी से किया, इस ए में इसमें बी से, तो मल्टीप्लाइंग बाय ए, ए में आपका देखो ए आपका इसमें इक्वेशन नंबर थ्री में आपका ये देखो ए से और इसमें आपका देखो बी से। अब आपका देखो यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ देखो, जिससे आप कोई गलती ना करें, देखो ए बी से, ए बी सा ए बी एक्स, ये देखिए ध्यान से, ये देखो ए बी सा ए बी एक्स, देखो ए ए जा माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो ए जा जीरो, चेक कर लीजिएगा सर, और देखिएगा बी से बी ए जा ए बी एक्स प्लस बी बी जा बी स्क्वायर वाई, ऐसे करो बी ए जा ए स्क्वायर बी और प्लस बी बी स्क्वायर जा बी क्यू, थर्ड से फोर्थ बन गई और सेकंड से आपका देखो फिफ्थ बन गई। आप एलिमिनेटिंग मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग मेथड में अब आपको दिखने लगे देखो मैंने यहां एक्स को किया देखो, तो जब साइन चेंज करने होते हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन लिखते हैं यहां पे देखो, या माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, नीचे वाले साइन जो होंगे सारे ही आपके चेंज हो जाएंगे, देखो ए बी एक्स ए बी एक्स प्लस और माइनस आपका लाइक टर्म्स कैंसिल, देखो माइनस देखो ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द साइंस ऊपर वाले साइन के देयर इज नो इंपॉर्टेंट, ना देखो ये माइनस देखो ए स्क्वायर बी इक्वल टू में देखो ये माइनस और ये माइनस बी क्यू, वाई कॉमन लीजिएगा, मैथमेटिक्स का द फर्स्ट रूल पॉलीनोमियल, इसमें से आपने एक दो तीन जो आपके वृंदा ने मेरे पास बहुत क्लियर ढंग से लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो माइनस वाई कॉमन लिया और देखो माइनस
इसमें देखो बी कॉमन ले लीजिएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का, तो कॉमन इज द फर्स्ट रूल टू मिनिमाइज द लार्जर क्वेश्चन। देखो आपका तो y से y, आपका y के साथ जो नेगेटिव है ये आपका y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, और अगर आप ऐसे निकालते हैं तो देखो y इज इक्वल टू, देखो ये पहले लिख दीजिएगा माइनस, देखो मैंने यहां से इसको ओमिट कर दिया, देखो ये हटा दिया, अभी आपका देखो ये माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर जो इसके साथ कोफिशियंट के साथ है आपका, देखो ना इट विल गो डाउन, माइनस से माइनस खलास, देखो आपका वाई इज इक्वल आपका ओ बी। एलिमिनेटिंग मेथड है, एलिमिनेटिंग मेथड में याद रखिएगा आपका ना, देखो अब इसको कहीं भी आप कर, आप इसी में करके देखिए, देखो तो ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y is equal to b in equation number now one इधर x over a plus y, y की जगह मैं लिखूं y। वैसे तो कायदा क्या होता है कि आप पहले इसको इक्वेशन को लिख दो, उससे आपको और ज्यादा विजुअलिटी आ जाएगी। देखो क्योंकि I am going to substitute the value of this y is equal to b in equation number one, so first I have to write this। तो देखो x over a minus y, y की जगह मैं देखो b over b is equal to zero, ये देखिए b से b कैंसिल, तो देखो x over a minus 1 is equal to 0, आपका देखो x over a is equal to 1, ot में आपका देखो minus 1 is going to be transposed, आपका now this x is equal to a is a, तो therefore देखो x is equal to a, y is equal to b। अब आपका अगर क्वेश्चन कहीं गलत होता है एक से दूसरे से आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब पहले वाले को चेक करो हमने गलती कहां की, कहीं कोफिशिएंट में जैसे पिछली बार हो गया था, तो ये एलिमिनेटिंग मेथड, इसी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, इसको आप इक्वेटिंग से करेंगे, लेकिन डायगोनल रिप्रेजेंटेशन से डायगोनल इक्वेशन ये आपका बिल्कुल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे क्वेश्चन इन विच द कोफिशिएंट्स आर आइदर 1/a 1/b या a b होते हैं आपका ना, और कांस्टेंट आपका यहां पे डिजिट नहीं होते, न्यूमरल्स नहीं होते, आपका a b में ही आपका होते हैं, उस केस में आपका एक्चुअल में वो क्वेश्चन आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले से ही यूज करना चाहिए। लेकिन यहां क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी अप्रैल से स्टडी करनी होती है, इस बार आप मार्च में ही आ गए, आपके पास बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को हर मेथड से आपको बता रहा हूं। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू इट।